नमस्कार। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज पांचवा दिन है। भयंकर जंग के बीच आज रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर मिले। युद्ध की शुरुआत के बाद आज पहली बार बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच जंग रोकने पर बात हुई, लेकिन पहली मीटिंग से जो संकेत मिले हैं उससे इस बात के नतीजे को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं बन रही है। यूक्रेन और रूस के बीच आज हुई बातचीत की डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने एक कदम से पूरी दुनिया को डरा दिया है। पुतिन के आदेश पर रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिवेट कर दिया। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय देश इसी तरह रूस पर प्रतिबंध लगाते रहे और यूक्रेन को हथियार देते रहे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज रात एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस मामले पर यूएन की मीटिंग भी हो रही है। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर तमाम इंटरनेशनल अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में कोऑर्डिनेशन के लिए भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की सिचुएशन पर आज फिर हाई लेवल मीटिंग की। इंडिया के ऑपरेशन गंगा और सरकार की यूक्रेन स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह दिखा देते हैं कि यूक्रेन में इस वक्त हो क्या रहा है। रशियन फोर्स कहां तक पहुंची है, यूक्रेन की आर्मी कितना मुकाबला कर पा रही है। यूक्रेन में जारी इस जंग की वजह से 5 लाख से ज्यादा नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है और पड़ोसी देशों में पनाह ली है। युद्ध के तमाम मोर्चों पर क्या हालात हैं, सबसे पहले उसका अपडेट। यूक्रेन पर रूस के हमले के पांचवें दिन आज सबसे भयंकर लड़ाई खार्कीव में देखने को मिली। खार्कीव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर रूसी सेना ने मिसाइलों से टारगेटेड अटैक किए, फाइटर प्लेन से बमबारी की। रूसी सेना के हमलों की वजह से खार्कीव शहर में पूरे दिन धमाके होते रहे। रूसी बमबारी में मिलिट्री टारगेट के साथ सिविलियन ठिकानों जैसे मॉल्स और बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया गया। असल में खार्कीव यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम शहर है, वो यूक्रेन की सेना के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। खार्कीव में टैंक बनाने का विशाल कारखाना है। कभी यह शहर दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक बनाने के लिए ही मशहूर था। इसके अलावा खार्कीव में न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरी इंडस्ट्री के बड़े केंद्र हैं। यह रूस की सीमा के काफी करीब है, इसलिए रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद खार्कीव को अपना दूसरा बड़ा टारगेट बनाया है और यहां लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना को भी अंदाजा था कि खार्कीव रूस का बड़ा टारगेट बनेगा, इसी वजह से इस शहर में यूक्रेन ने भी रूस से मुकाबले की जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। खार्कीव की सड़कों पर यूक्रेन के नागरिक भी हथियार लेकर रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों तरफ से बराबर की जवाबी कार्रवाई हो रही है। युद्ध के दौरान कई सिविलियन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि खार्कीव में चल रही लड़ाई में कितनी जाने गई है। रूसी सेना की बमबारी की वजह से खार्कीव शहर के औद्योगिक इलाकों में भारी तबाही मची है। रूस की सेना चुन चुनकर खार्कीव के इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट कर रही है। रूस का मकसद यूक्रेन की सेना की सप्लाई लाइन को कमजोर करना है, जिससे यूक्रेन की सेना की लड़ने की ताकत कम हो जाए। इसलिए यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए जरूरी ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। खार्कीव पर कब्जे के लिए रूस के सैनिक टुकड़ियों ने जमीनी लड़ाई तो छेड़ ही रखी है, उन्हें रशियन एयरफोर्स और मिसाइल फोर्स से भी बहुत मदद मिल रही है। रूसी सेना के जनरलों की कोशिश यही है कि मिनिमम कैजुअल्टी के साथ मैक्सिमम फायदा मिले। यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई से 5,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। खुद रूसी जनरलों ने भी कैजुअल्टी की बात तो मानी, लेकिन मारे गए सैनिकों की संख्या की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई के ज्यादातर मोर्चे शहरी इलाकों में हैं, जहां रूसी सैनिकों को गली गली सड़क सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यूक्रेन के आम नागरिकों के विरोध को भी झेलना पड़ रहा है, इसलिए बहुत आसान लग रही यूक्रेन की जंग में रूसी सेना की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। जंग में अपनी बढ़त बनाए रखने और यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूस लगातार यूक्रेन के अहम संसाधनों पर अटैक कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के चेरकसी में एक तेल डिपो पर रॉकेट अटैक किया। डिपो में विस्फोट से इतना तेज धमाका हुआ कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके से कई किलोमीटर के दायरे में लोगों के घर तक हिल गए। हाईवे पर खड़े एक शख्स ने तेल डिपो पर हुई बमबारी की इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में
भयंकर आग लग गई। ब्लास्ट से उठा धुएं का गुबार एक बड़े इलाके पर छा गया। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी इलाके के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क लोकतांत्रिक गणराज्य की सेना ने रूसी सेना की मदद के साथ कारगर हमला किया है और खोवोरोस्तियांका, सुखानोवका और अर्थियोम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क गणराज्य की सेना 19 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। नोवाइडर पर कब्जा हो गया है। वोल्नोखोवा का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रूसी सैनिकों ने बर्दियांस्क और एनेरगोदर शहरों पर कब्जा कर लिया है। अगर जमीनी ताकत देखें तो यूक्रेन के पास रूस से मुकाबला करने लायक सेना नहीं है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर जितनी आसानी से जीत हासिल करने की उम्मीद की थी वैसा भी नहीं हुआ। यूक्रेन के सैनिक जी जान से रूसी आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के आम नागरिकों ने भी अपने वतन की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए हैं और सबसे अहम बात, रूस से मुकाबला करने में ड्रोन्स यूक्रेन की काफी मदद कर रहे हैं। तुर्की ने यूक्रेन को अपने घातक ड्रोन सप्लाई किए हैं जो सटीक निशाना लगाते हैं और बिना सैनिकों की जान गंवाए दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचाते हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों से ड्रोन हमले की तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैनिक टुकड़ियों को पल भर में तबाह कर रहे हैं। तुर्की के ये ड्रोन रूस के पड़ोसी देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई में भी कमाल दिखा चुके हैं और अब ये ड्रोन रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना के सबसे कारगर हथियार साबित हो रहे हैं। रूसी सेना ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसका सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव थी। हालांकि रूसी सेना अब कीव के बाहर ठहर गई है। शहर के बाहर से ही बमबारी की जा रही है। मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट्स कीव के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। कीव में रूसी वायुसेना के बॉम्बर भी हमले कर रहे हैं। रूसी विमानों के हमले में कई सैनिक और सिविलियन टारगेट भी तबाह हुए। कीव से आई ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। यूक्रेन के पास कोई बहुत पावरफुल एयरफोर्स नहीं है। इस मामले में रशिया ने एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली है। रूस की सेना भले ही बहुत तेजी से एडवांस न कर रही हो मगर रूस के फाइटर प्लेन्स भारी बमबारी कर रहे हैं और यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस बमबारी के आगे फिलहाल तो लाचार ही दिख रहा है। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन की वायुसेना की कमजोरी है। असल में यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब उसके पास रूस में बने लड़ाकू विमान काफी तादाद में थे, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में आकर यूक्रेन ने अपनी एयरफोर्स की ताकत कम कर दी और पुराने फाइटर प्लेन्स भी नष्ट कर दिए। इस वक्त यूक्रेन की एयरफोर्स के पास करीब 225 विमान हैं, इनमें से ज्यादातर सोवियत संघ के जमाने के ही हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स में 36,000 के आसपास वायुसैनिक हैं जो रूस जैसे विशाल ताकत वाले देश के आगे टिकने लायक नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान बेधड़क होकर यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसकर मनचाही बमबारी कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन की हवाई सीमा पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। रूसी विमानों ने पूरे यूक्रेन के हवाई इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन के शुरुआत के बाद से रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे के 1,114 ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमारे हमलों से यूक्रेन के 31 कमांड सेंटर और संचार नोड्स, 314 टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहन, 57 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 121 फिल्टों पे मोर्टार और 274 मिलिट्री गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन में जंग के अभी 5 दिन ही हुए हैं। अभी युद्ध किसी नतीजे की तरफ जाता नहीं दिख रहा है। रूसी सेना ने कई इलाकों पर कब्जा जरूर कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव और पश्चिमी इलाके के कुछ और शहर अभी भी यूक्रेन की सरकार के नियंत्रण में ही है। वहीं रूस, बेलारूस और क्रीमिया से लगने वाले यूक्रेन के इलाकों में भारी तबाही मची। रूस की सेना के हवाई हमलों, टैंकों की गोलाबारी और मिसाइलों के हमले की वजह से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के शहरों में जबरदस्त तबाही दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमलों में बड़ी संख्या में बच्चे भी मारे गए हैं और अपने वीडियो मैसेज में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूसी सेना से अपील की कि वो हथियार डाल दें और अपने देश लौट जाएं। इसी में उनकी भलाई।
जब तक यूक्रेन पर रूस का ये अवैध हमला जारी रहता है, रूस को भारी नुकसान हो रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये जंग खुद उनके देश में हो रही है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? एक बार फिर से कहूंगा, रूस के 4,500 से ज्यादा हमलावर मारे जा चुके हैं। आप अपने हथियार डाल दो और चले जाओ। अपने कमांडर्स पर यकीन मत करो, उनके दुष्प्रचार पर भरोसा ना करो, बस अपनी जान की पनाह मांगो और चले जाओ। रूस और फ्रांस के बीच बातचीत की खबर है। यूरोपियन न्यूज एजेंसी नेक्स्टा के हवाले से बड़ी खबर आई है। रूस के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर बात की है और दोनों नेताओं में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। रूस से बातचीत को लेकर मैक्रों ने कहा कि जेलेंस्की के कहने पर पुतिन से बात की गई। मैक्रों ने कहा कि मैंने पुतिन से युद्ध रोकने को कहा। मैक्रों ने आगे बताया कि हालात और खराब न हो, बातचीत इसके लिए होती रहनी चाहिए। पुतिन और मैक्रों की बातचीत पर रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस बातचीत में साफ शब्दों में कहा, रूस के हितों का ध्यान रखा जाएगा, तभी युद्ध रुकेगा। लेकिन अच्छी बात कही जा सकती है कि कम से कम बातचीत शुरू हुई है नेटो देशों में और रूस के बीच। यूक्रेन पूर्वी यूरोपीय देश है। यूरोप ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी भयानक जंग नहीं देखी जैसा यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। जहां नजर जाती है तबाही नजर आती है। सबसे भयानक स्थिति खार्कीव में रहने वालों की है। रूसी सेना खार्कीव में भारी बमबारी कर रही है, मिसाइलों से भी हमला हो रहा है, मल्टी बैरल रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि खार्कीव के चप्पे चप्पे को नेस्त नाबूद करने की कोशिश है। रूसी सेना के हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मारे गए हैं। खार्कीव में रिहायशी इलाके में तबाही ही तबाही है। हवाई हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। इस समय खार्कीव की सड़कों पर लड़ाई छिड़ी है। रूस की सेना का कहना है कि वो आम नागरिकों को बचाने के लिए अभी भी भारी बमबारी करने और टैंकों को आगे करने से बच रही है, इसलिए खार्कीव में सैनिक ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन खार्कीव से जो अमेच्योर तस्वीरें आ रही हैं उससे मंजर बहुत भयानक दिखता है, क्योंकि सड़कों पर रॉकेट गिर रहे हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, पनाह लेने के लिए आम नागरिक इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना के इस ब्रूटल अटैक का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को दूसरे देशों से हथियार मिलने लगे हैं। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे हथियार मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन को इन हथियारों के बगैर ही रूसी हमले का मुकाबला करना पड़ रहा है। यूक्रेन के पास सबसे ताकतवर हथियार के रूप में हवाई हमले करने वाले ड्रोन हैं। इनके जरिए यूक्रेन के बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहे रूसी सेना के काफिलों को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के सैनिक अड्डों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कई अनऑफिशियल वीडियोस रिलीज किए गए हैं जिनमें ड्रोन से रशियन टारगेट्स को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखोवा ने आज कहा कि यूक्रेन पर तुरंत कब्जा कर लेने का रूसी प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया है। हालात अभी भी यूक्रेन की सरकार के ही नियंत्रण में है। From Ukraine, from Ukrainian numbers, because every night there is some shelling, bombing, offensive. I am starting my working day talking to my personnel what's happened in their house, in their home. Unfortunately, some people what their house is damaged, even people which are from the embassy staff. Shelling is going from all sides. It's not only direct Russian aggression, but the shelling is very active from the territory of Belarusia, from Belarusian Chamcha regime. General situation is rather difficult, but basically, it's under Ukrainian control. The plan of Blitzkrieg that the Russians were expecting that within 5-6 hours, maximum 1 day, they will occupy the whole territory and will put up puppet regime. This plan absolutely failed.
अगर 5 दिनों के हमले के बाद भी रूस की सेना यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है तो इसमें सबसे ज्यादा यूक्रेन की सेना का योगदान है। यूक्रेन के नागरिकों ने रूस की सेना से मुकाबला करने में जबरदस्त साहस दिखाया। यूक्रेन के नागरिक हर कदम पर, हर शहर, हर गांव में रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हर चंद घंटों के बाद वीडियो मैसेज जारी करते हैं, अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें रूस के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। यूक्रेन के नागरिक अपने वतन की हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन है वो कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन के नागरिक रूसी सेना के टैंकों के सामने खड़े होने से भी नहीं हिचकिचा रहे। जब पूर्वी यूक्रेन के एक शहर में रूसी सेना के टैंकों का दस्ता पहुंचा तो यूक्रेन के आम नागरिक उसके सामने खड़े हो गए। वहीं उन छोटे शहरों और कस्बों में जहां पर यूक्रेन की सेना मौजूद नहीं है, वहां पर यूक्रेन की जनता ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेन के नागरिक सड़कों पर कीले में छाकर, कंटीली तारे लगाकर और राइफलें लेकर अपने अपने शहरों और कस्बों की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं। वो बिना लड़े आसानी से रूसी सेना के आगे हथियार डाल देने के लिए राजी नहीं है। कुछ जगहों पर तो आम नागरिकों ने एक दो रूसी सैनिकों को बंधक भी बना लिया। हालांकि यूक्रेन के नागरिकों ने रूसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यूक्रेन के नागरिकों के कड़े विरोध के बीच रूसी सेना को सबसे ज्यादा कामयाबी पूर्वी यूक्रेन में मिल रही है। यहां पर यूक्रेन के बागी भी रूसी सेना की मदद कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के दौरान यूक्रेन की जनता के जज्बे की हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन के नागरिकों की एक तस्वीर बर्जांस्क से सामने आई है, जहां आम नागरिक रूसी टैंकों के सामने खड़े होकर यूक्रेन का राष्ट्रीय गीत गाते नजर आए। रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन अब अपनी जेलों में बंद कैदियों को भी रिहा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि जिन कैदियों के पास जंग का तजुर्बा है उन्हें जेलों से छोड़ा जाएगा, जिससे वो अपनी जन्मभूमि की रक्षा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। रूस के आक्रमण के दौरान सिर्फ 4 दिनों के अंदर यूक्रेन के 16 बच्चे रूस की बमबारी में मारे जा चुके हैं और 45 बच्चे घायल भी हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन भी बड़े पैमाने पर जंग जारी है, लेकिन हम मजबूती से डटे हुए हैं। इस दौरान हमने वो सब तजुर्बा कर लिया है जो दूसरे देश शायद दशकों में भी नहीं कर पाते हैं। मार्शल लॉ के तहत हमने जंग लड़ने का तजुर्बा रखने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, जिससे अहम मोर्चों पर लड़ाई करके वो देश के काम आ सके और अपने जुर्मों पर पछतावे से उभर सके। आतंकवाद निरोधक अभियान में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों के ऊपर से सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे जरूरी है देश की रक्षा करना। यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब स्थित बूचा कस्बे में भी जोरदार जंग देखने को मिली थी। रूसी सेना ने यहां जबरदस्त अटैक किया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। शहर में रूसी सेना के काफिले की बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इस जंग में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर देता दिखता है। यूक्रेन की सरकार रूस से लड़ने के लिए अपने आम नागरिकों को लगातार हथियारबंद भी कर रही है। आम नागरिकों के इसी जज्बे ने रूसी सेना की रफ्तार धीमी कर दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने सेना से मुकाबले के लिए डकैतों को मैदान में उतार दिया है। कीव में इस वक्त डकैतों, लुटेरों और दक्षिणपंथियों का आतंक है। यूक्रेन की सरकार ने उन्हें इसलिए हथियारबंद किया है ताकि वो उन्हें नागरिक के तौर पर पेश कर सकें। हम कीव के नागरिकों से सीधे कहना चाहते हैं, इस वक्त शहर में मौजूद सभी आम नागरिक कोई भी देरी किए बगैर कीव वासिलकोव हाईवे के रास्ते यूक्रेन की राजधानी कीव से निकल जाएं। यूक्रेन की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो रूस का मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को भी इस बात का एहसास है कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक रूस के सामने नहीं टिक सकता। यही वजह है कि यूक्रेन के लीडर अब रूस की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव डालें। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने
आज रूस के लोगों से कहा कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो पुतिन का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध लगने की वजह से रूस की जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए रूसी जनता की भलाई भी इसी में है कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को 21वीं सदी का हिटलर कहा। मैं रूस के लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए आपके राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, पुतिन ने रूस को क्या से क्या बना दिया। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी, हमारे लोग भी लड़ रहे हैं। इस जंग से पुतिन को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसकी कीमत रूस के लोगों को चुकानी पड़ेगी। रूस की करेंसी की कीमत गिर रही है, रूस के बैंकों पर आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं, यूरोप ने अपना एयर स्पेस रूसी विमानों के लिए बंद कर दिया है। अभी ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में रूस के लिए मुसीबत और बढ़ेगी। इसलिए मैं रूस की जनता से अपील करता हूँ कि वो पुतिन से इस युद्ध को बंद करने के लिए कहें, वरना नुकसान रूस के लोगों का ही होगा। रूसी राष्ट्रपति लगातार इस युद्ध के लिए और दुनिया के इन हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताते हैं, और आपने देखा नेटो और अमेरिका पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने के लिए पुतिन को जिम्मेदार बता रहे हैं। बहरहाल, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जैक तरार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तरार साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका की क्या असेसमेंट है यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को लेकर। देखिए, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूँगा जहाँ तक जो मौजूदा सूरत हाल है ऑन द ग्राउंड, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत डायनामिक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यूक्रेन के आम लोग और यूक्रेन के जो सैनिक फोर्सेस हैं वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि अपने देश को सुरक्षित रख सके। और हम अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन, नेटो, और अब शायद आपने देखा होगा आज जनरल असेंबली पे ब्रीफ वोट है, हम सब इस बात पे जुड़े हुए हैं कि हम यूक्रेन को सपोर्ट देना चाह रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। बल्कि लगातार कल, बल्कि 24 घंटे पहले अमेरिका ने अधिक $300 मिलियन का सैनिक सपोर्ट देने का ऐलान किया, और उस पर हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का ऐलान भी किया। तरार साहब, ये बताएं, जैसे आज पहली बार बातचीत की मेज पर बैठे हैं यूक्रेन के और रूस के अधिकारी और उनके मंत्री वगैरह, इससे कोई उम्मीद है आपको कि कोई रास्ता निकल सकता है, या आप मानते हैं कि पुतिन जो है वो जंग के रास्ते से हटेंगे नहीं? ये बहुत मुश्किल है कहने के लिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा, बल्कि पूरे विश्व ने देखा है कि चंद हफ्ते पहले हमने बहुत कोशिश की नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ कि हम रूस को डिप्लोमेसी बैठक बातचीत की तरफ हम ले आए, लेकिन आखिरकार पुतिन ने इनकार किया और उन्होंने लड़ाई और युद्ध की तरफ वो यानी कि युद्ध का रास्ता उन्होंने चुना उस वक्त। तो उम्मीद यही है कि जो प्रतिबंध हम लगा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम लगा रहे हैं रूस पर, उसका असरअंदाज हो ताकि कम अज कम पुतिन का जो नया कैलकुलेशन होगा वो बदलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक इंतहाई बड़ी कॉस्ट हम रूस पर डालें, क्योंकि जो हम देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन में वो बिल्कुल 21वीं सदी में वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा तरार साहब, आपने सैंक्शंस की बात की, तो जो प्रतिबंध आप लगा रहे हैं और जिस तरीके से बहुत सारे देश जो हैं वो यूक्रेन को हथियार वगैरह जो हैं वो भिजवा रहे हैं ताकि वो इस जंग में मुकाबला कर सकें रूस का, इसका नतीजा ये हो रहा है, आपने भी देखा होगा आज कि रूस के राष्ट्रपति ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को जो है वो एक्टिव कर दिया है। अब उनकी मॉस्को की सड़कों पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं, तो वो अब विश्व में एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट जो है ऐसा लग रहा है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम समझते हैं कि ये न्यूक्लियर जो फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंतहाई संगीन मामला है, होना भी चाहिए। बल्कि इस साल जनवरी में हमने एक बार फिर अपने पॉलिसी को बहुत स्पष्ट तौर पे हमने कहा है, जो ये है कि न्यूक्लियर युद्ध में कोई नहीं जीतता, सिर्फ नुकसान ही है। और हम समझते हैं कि जब आप अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को
एक सिर्फ पैगाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे मिसकैलकुलेशन होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि ऐसे हो। हमारे पॉलिसी में कोई तब्दील नहीं आए, हम डिफेंसिव पॉस्चर में रहेंगे, और हम समझते हैं कि इसको मजीद अधिक टेंशन बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं इंटेंशन क्या हो सकती है व्लादिमीर पुतिन की, जब वो अपने न्यूक्लियर हथियारों की ऐसे नुमाइश करते हैं? ये सिर्फ शायद व्लादिमीर पुतिन ही बता सकते हैं हमको, लेकिन इतना हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि वो यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहते हैं, वो कीव पर हमला बार बार कर रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों पर भी वो हमला कर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये गलत है जो युद्ध हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल पुतिन ने खुद चुना है और नाजायज़ है, और आखिरकार असल में हम ये देख रहे हैं कि पुतिन एक नया कॉलोनियल पावर बनना चाहते हैं, और वो यूक्रेन को बिल्कुल कब्जा करके अपने कॉलोनी बनाना चाहते हैं। जी, लेकिन आज राष्ट्रपति पुतिन की और फ्रांस के राष्ट्रपति की भी फोन पर बात हुई है, और खबर यह मिली कि उसमें भी राष्ट्रपति पुतिन का रुख जो था वो बहुत सख्त था, वो अभी भी ये नहीं मानते कि उनकी युद्ध उनकी तरफ से छिड़ा गया। उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया है, और पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने झूठ का साम्राज्य बताया है, एन एम्पायर ऑफ लाइज ये कहा है। ये तो खैर होगा पुतिन की तरफ से, लेकिन अगर हम झूठ के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे जो बड़ी झूठ है वो शायद मॉस्को से ही निकला है। आपने भी सुना होगा कि हफ्ते पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस, नेटो इंटेलिजेंस, यूरोपियन यूनियन, हम बार बार कह रहे थे कि हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस एक हमला के लिए तैयारियां कर रहा था, 101 लाख बल्कि फौजी सैनिक ट्रूप जो थे वो यूक्रेन की सरहद पर बैठे हुए थे, तैयारियां लगातार हो रहे थे, और उस वक्त हमने लगातार जो डिनाइल्स थे वो सुन रहे थे मॉस्को से, और उसके नतीजे क्या हुआ, चंद दिन पहले पुतिन ने वाकई यूक्रेन पर हमला किया, जैसे हमारे इंटेलिजेंस हफ्ते से पिछले हफ्तों में कह रहे थे। तो मैं नहीं मानता कि यूरोपियन यूनियन, ब्रसल्स, नेटो हम झूठ बोलते हैं, बल्कि बिल्कुल उल्टी बात है। तराज साहब, मैं आप फिर एक बार जो आज बातचीत हुई है रूस और यूक्रेन की, उस पर आपको लाना चाहता हूं। उसमें यूक्रेन ने जो मांग रखी है कि 2014 से पहले की परिस्थिति जो है वो बहाल होनी चाहिए, क्रिमिया से फौजें हटनी चाहिए, डॉनबास का जो इलाका है वहां से भी रूसी फौजें हटनी चाहिए, आपको लगता है कि उनका ये रुख भी जायज है? अब देखिए, एक लोकतांत्रिक देश खुद अपने राजनीति को चुन सकते हैं, और मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बाहर का देश कह सकता है कि क्या उनके जो कंडीशंस हैं वो जायज़ हैं या नहीं है, या सही है या गलत है। मैं तो ये इस बात पे जोर डालना चाहूँगा कि हाँ, ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि रूस ने क्रीमिया को 2014 से कब्जा किया हुआ है, जो कि एक यूक्रेन का एक हिस्सा है। तो इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो झूठ हम सुन रहे हैं मॉस्को से कि उनके ये मजबूरन उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, कि बिल्कुल गलत है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि ये बिल्कुल मजबूर नहीं थे वो, बल्कि उन्होंने ये रास्ता चुना जबकि उनके सामने और भी बहुत सारे रास्ते थे। और अब पूरी विश्व मिलकर रूस को एक आवाज़ में हम जवाब दे रहे हैं, और वो ये है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए हम आप पर इंतहाई सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं।
आखिरी सवाल मेरा तरार साहब, बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि रूस जो है अब वो राजधानी कीव के ऊपर हमला कर सकता है। इसकी वजह यह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान किया गया है, ये कहा गया है कि जो सिविलियंस हैं कीव में रहने वाले वो कीव छोड़ दें, उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि शायद कीव पर अब भारी हमला होने वाला है। अफसोस की बात है कि हम नहीं जानते कि आगे आने वाले दिनों में हफ्तों में क्या क्या होगा यूक्रेन में, लेकिन ये तो खैर आई थिंक सिर्फ राजनीति के बारे में बात में नहीं है, बल्कि कोई भी जो आम आदमी है वो समझ सकते हैं कि अगर किसी शहर पर किसी सिटी पर हमला हो रहा है, रॉकेट बम आ रहे हैं, ख़ासतौर पर जब वो आम मासूम नागरिकों पर हो रहे हैं, तो इंतहाई अफसोस की बात है। और बिल्कुल 21वीं सदी में ख़ासतौर पर ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा आम लोग ख़ासतौर पर लोकतांत्रिक देश में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये ठीक है या हम आराम से चुप बैठ कर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर अब रूस को एक आवाज़ में हमें कहना चाहिए कि गलत है और उन्होंने फौरी तौर पर अपने हमलों को रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए तरार साहब। हमारे साथ बात कर रहे थे जेड तरार, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, और उन्होंने जो बातें कही वही अमेरिका और नेटो कंट्रीज का भी स्टैंड है। अपनी सेना को कोई भी देश इस युद्ध में झोंकना नहीं चाहता। रूस को इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस के सहारे घेरने की कोशिश हो रही है। आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से यूक्रेन के लिए थोड़ी राहत की खबर भी आई है। यूक्रेन संकट पर बात करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया। ये बैठक शुरू हो गई है। इस सेशन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है और यह बहुत डराने वाली बात है। यूक्रेन का युद्ध पूरी मानवता के लिए खतरा है। यह बैठक बुलाने के लिए पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। रूस ने उम्मीद के मुताबिक इसका विरोध किया। चीन, भारत और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं दिया। जिन 11 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया वो थे अल्बेनिया, ब्राजील, फ्रांस, गैबॉन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका। यूएन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए 9 ही वोट्स की दरकार थी, 11 वोट पड़े। चूंकि ये प्रोसीजरल मैटर था, इसलिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, वो इस प्रस्ताव पर अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। 1950 के बाद से यूएन जनरल असेंबली की इस तरह की 10 इमरजेंसी मीटिंग ही हुई है। भारत इस वोटिंग से गैर हाजिर तो रहा, लेकिन यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस श्रीमूर्ति ने फिर कहा कि संकट को खत्म करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। इट इज रिग्रेटेबल दैट द सिचुएशन इन यूक्रेन हैज वर्सन फर्दर सिंस द काउंसिल लास्ट कन्वीन्ड ऑन दिस मैटर। वी रीइटरेट अ कॉल फॉर इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड एन एंड टू ऑल हॉस्टिलिटीज। देयर इज नो अदर चॉइस but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. इस बीच रूस को घेरने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपनी घेराबंदी तेज कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 45 करोड़ यूरो के हथियारों की सप्लाई करने का फैसला किया है। यूरोपियन यूनियन के हायर रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरेल ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। ईयू की तरफ से यूक्रेन को हाई कैलिबर आर्म्स और एंटी टैंक मिसाइल्स भी दी जाएंगी। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि रूस अब बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यू नो दैट दिस हाफ अ बिलियन ऑफ यूरोस विल बी डिवोटेड to provide defensive arms, but high caliber arms, anti-tanks, all kind of equipments in order to repel the aggression. Today in Belarus there is a referendum, let's call it referendum, a fake referendum, in order to decide to amend the constitution and to grant to Belarus the status of nuclear country. This is very dangerous. This is very dangerous. If we start changing the status of country becoming nuclear,
We know what does it mean for Belarus to be nuclear. It means that Russia will put nuclear weapons in Belarus. And this is a very dangerous path. यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने रूस पर आर्थिक शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। रूस के सेंट्रल बैंक पर भी बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद रूस को अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में मुश्किल होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनके देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अब कोई लेन देन नहीं करेंगे। इसके अलावा रूस के नेताओं के यूरोपीय देशों में जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी पहचान की जा रही है, जिसके बाद उन्हें फ्रीज किया जा सकता है। अमेरिका और वेस्ट यूरोप के प्रतिबंधों से रूसी इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा है। एक रूसी बैंक का यूरोपीय सब्सिडियरी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। रूस की करेंसी रूबल लगातार कमजोर होती जा रही है। हालात से निपटने के लिए आज रूस के शेयर मार्केट बंद रखे गए। रशियन सेंट्रल मार्केट ने इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए अरबों डॉलर मार्केट में रिलीज करने का फैसला किया है। अपनी इकोनॉमी को तबाही से बचाने के लिए रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर दुगना कर दी हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी डिफेंस काउंसिल के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद फ्रांस के वित्त मंत्री ने कहा कि रूस के सेंट्रल बैंक पर लगाए सैंक्शंस का असर दिखना शुरू हो चुका है। अभी रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से आज बात भी की है। रूस के सेंट्रल बैंक की सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। इससे रूस को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। यही नहीं, विदेशों से लेन देन करने में भी रूस को मुश्किल होगी। रूस के सेंट्रल बैंक पर बैन लगाने के फैसले का असर दिखना शुरू हो गया है। रूस की करेंसी रूबल लगातार गिरती जा रही है। शेयर बाजार भी बुरी हालत में है। इसके अलावा हम यूरोपियन देशों में रूस के नेताओं की संपत्तियों का पता लगा रहे हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच आज दुनिया को डराने वाली खबर आई। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में परमाणु युद्ध के मुहाने पर यह जंग पहुंच चुकी है, ऐसा एहसास हुआ। जैसे जैसे यूक्रेन में जंग तेज हो रही है, दुनिया पर परमाणु हथियारों का खतरा भी बढ़ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताजा फैसले के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर दस्ते को अलर्ट कर दिया है। अब रूस ने परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक न्यूक्लियर कमांड एक्टिवेट कर दिया गया है। स्पुतनिक का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया है कि न्यूक्लियर ट्रायड स्टैंडबाय पर रखा गया है। इसका मतलब है कि रूस की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी परमाणु हमले के लिए अब तैयार है। रूस ने परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इंटर सबकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। परमाणु हथियारों से लैस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी अलर्ट पर हैं। रूस में यह डेवलपमेंट पुतिन के कल के आदेश के बाद हुई। अमेरिका और ईयू जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके बाद कल राष्ट्रपति पुतिन ने रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए थे। पुतिन ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ से कहा कि वो रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को जंग के लिए अलर्ट कर दें। इसके साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका या नेटो ने रशियन इकोनॉमी के खिलाफ प्रतिबंध लगाना जारी रखा या यूक्रेन की मिलिट्री को मदद करते रहे, तो रूस परमाणु हथियारों से जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को फायर करने का मतलब है चंद सेकंड में लाखों लोगों की मौतें। रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को अलर्ट करने का क्या मतलब है, यह भी समझ लेते हैं। रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस का मतलब उस फोर्स से है जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। न्यूक्लियर डेटरेंस थियोरी कोल्ड वॉर के वक्त इस्तेमाल की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ा, तब दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग गई। तब अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रैटेजी अपनाई। इसका मतलब था अगर सोवियत संघ किसी भी देश पर परमाणु हमले की कोशिश करता है तो अमेरिका उसका जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई में उससे भी बड़ा हमला करेगा। अब बदली हुई सिचुएशन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की उसी रणनीति पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, न सिर्फ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मैं आर्थिक क्षेत्र में पाबंदियों की बात कर रहा हूं जो अवैध तरीके से लगाई गई हैं। इनके बारे में सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नेटो के जो बड़े सदस्य देश हैं वहां के नेता हमारे खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैं रूस के रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को ये ऑर्डर देता हूं कि वो न्यूक्लियर फोर्स को जंग के लिए हाई अलर्ट वाले स्तर पर कर दें। रूस ने न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव मोड पर रख दिया है। रूस के इस एक्शन से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी मानवता पर हमला होगा, इसे हर कीमत पर रोकना होगा। पुतिन लगातार परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करते वक्त पुतिन ने इसी तरह की चेतावनी दी थी। यूक्रेन पर हमला करते वक्त पुतिन ने कहा था कि कोई भी देश जो उनके रास्ते में बाधा डालेगा उसे ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पुतिन ने सीधे सीधे कहा था कि अगर किसी देश ने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की कोशिश की तो रूस के पास परमाणु हथियार हैं। यानी पुतिन ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की बात तब भी कही थी। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लिंडा थॉमस ने रूस की धमकी को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। कई दशकों में पहली बार इस महासभा में आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले परिषद के सदस्य मानते हैं कि यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। हमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत इस खतरे से निपटने के लिए असाधारण कार्रवाई करने की जरूरत है। यूक्रेन और उनके लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। आज सुबह ही राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है, जबकि वह एक बिना परमाणु हथियार वाले देश से युद्ध कर रहे हैं। उन्हें नाटो से भी कोई खतरा नहीं है। ऐसे में परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखना एक अनावश्यक कदम है जिससे हम सभी को खतरा है। भले ही पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिवेट कर दिया हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रूस परमाणु हथियारों का कभी इस्तेमाल करेगा। पुतिन भी यह बात जानते हैं कि न्यूक्लियर अटैक का क्या मतलब होता है। यह बात सही है कि रूस को यूक्रेन से इतने जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद नहीं थी। रूस को लग रहा था कि उसकी सेना एक दो दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएगी। आज 5 दिन हो गए हैं, अब तक कीव पर कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन रूस और यूक्रेन की आर्मी के पावर में जितना अंतर है, अमेरिका और नेटो देशों ने जिस तरह यूक्रेन की को सिर्फ हथियार मुहैया कराने की बात कही है, सैनिक नहीं भेजने का फैसला किया है, उसके बाद देर सवेर रूस का यूक्रेन पर भारी पड़ना तय है। इसीलिए फिलहाल परमाणु हमले की आशंका कम है। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में वो 4 मंत्री भी शामिल हुए जिन्हें यूक्रेन के 4 बॉर्डर्स पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के काम पर लगाया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की देश वापसी के लिए आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया। ऑपरेशन गंगा के तहत 4 मंत्रियों को यूक्रेन के 4 बॉर्डर्स पर भेजने का फैसला हुआ। जनरल बीके सिंह पोलैंड बॉर्डर पर भेजे जाएंगे। पोलैंड बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा भारतीय पहुंचे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मॉल्डोवा के रास्ते भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। किरण रिजिजू स्लोवाकिया और हरदीप सिंह पुरी हंगरी के रास्ते आने वाले भारतीयों की मदद करेंगे। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे सभी भारतीयों की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री पल-पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। वो दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों से भी डायरेक्ट टच में हैं। हर टास्क अलग तरीका का होता है, हर सिचुएशन अलग होती है, और इसलिए जब तक जमीन पर खुद जाकर नहीं देखेंगे तब तक कह नहीं सकते कि टास्क कैसा है। पेरेंट्स जो परेशान है अपने बच्चों के लिए यहाँ पे, उनको आप क्या भरोसा देंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि धैर्य रखिए। कुछ लोग जो बिल्कुल लड़ाई के बीच में फंसे हुए हैं उनको बताइए कि जो वहाँ के लोकल हिदायतें हैं उनका पालन करें, अपनी सेफ्टी रखें। लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी रक्षा रख करना। तो इस मौके पे अफरा तफरी के अंदर या कन्फ्यूजन के अंदर उधर दौड़ने से भागने से गड़बड़ हो सकती है। हमारे एम्बेसी और बाकी सब स्टाफ इस चीज में लगे हुए हैं कि कैसे उनको सुरक्षित लगे। प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट की नहीं है अभी है कि लोग निकल लें ताकि एयरक्राफ्ट हम हर रोज दो दो भेज सकते हैं, क्या दिक्कत है? पर वही है कि अभी फोकस है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर ले। एंट्री पॉइंट 5 हो गए हैं पर घूम के फ्लाइट पॉइंट 4 ही रहे। कितना समय लगेगा अभी कहना मुश्किल है। हमने पहले सोचा था कि बॉर्डर से आसानी से निकल पाएंगे पर इतने सारे लोग हैं तो, पर जितना भी टाइम लगे हम हर नागरिक को लाएंगे वापस जो आना चाहता है या वापस। कीव में लड़ाई हो रही थी कीव में, पर आज कह रहे हैं कि कर्फ्यू बंद होने के बाद ट्रेन चल रही हैं तो निकल आएंगे लोग। खरकीव में अगर ट्रेन चल रही है लोग निकल आएंगे, पर हाँ इतनी दूर है कि पैदल आने की बात नहीं है। तो जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज ना हो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से उनको बेस्ट तरह से सेफ रखा जाए, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी हो आश्वासन ये देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल हमारे मतलब फोकस है उस पर, हमारे नजर लगा हुआ है कि ऐसे लोग हैं वहां पे और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पूरी एफर्ट्स कि वो जल्दी से जल्दी निकल आए।
और एक खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी में भारत सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चार मंत्रियों के जाने से वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने में, उन छात्रों को वापस लाने का काम जो है वो तेज होगा। तो प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे थे उसके बाद उन्होंने ये बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह अपने चार मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया, इससे निश्चित तौर पर उन स्टूडेंट्स के परिवार वालों को राहत मिली होगी जिनके बच्चे अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मोदी सरकार इससे पहले इराक, सूडान, अफगानिस्तान समेत कई देशों में इस तरह के सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके बच्चों के आसपास बम और मिसाइल बरस रही हैं, उनका फिक्रमंद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से यूक्रेन के बहुत से नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ने सड़क के रास्ते रोमानिया और पोलैंड में पनाह ली है। सबसे ज्यादा लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस भीषण सर्दी में अपनों की तलाश में सीमा पार करके सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। कुछ लोग बसों से सफर करके पोलैंड सीमा पर पहुंच रहे हैं। इन शरणार्थियों के लिए पोलैंड की सरकार ने बॉर्डर के करीब ही कैंप बनाए। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड के अलावा रूस के हमले से भाग रहे यूक्रेन के नागरिक एक और पड़ोसी देश रोमानिया का भी रुख कर रहे हैं। इस जंग में रोमानिया खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है और वो यूक्रेन के नागरिकों को अपने यहाँ पर शरण भी दे रहा है। रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि इस वक्त रोमानिया के बॉर्डर पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद यूक्रेन के नागरिक उधर का रुख कर रहे हैं। उन्हें ठिकाना देने के लिए रोमानिया की सरकार ने बॉर्डर पर ही टेंट लगा दिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमने उन लोगों के साथ रात गुजारी जिन्होंने हमें यहाँ आने दिया। सुबह के वक्त हम यहाँ आए और दूसरी तरफ के लोगों की मदद और रेड क्रॉस के सहयोग से हमें लिस्ट मिली और फिर हम बहुत आसानी से रोमानिया पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ चाय भी मिल रही है और ठिकाना भी, सब कुछ मुफ्त है। हम यहाँ सुरक्षित हैं। सारा काम बहुत तेजी से हो गया, इसके लिए उन सब का शुक्रिया। हमें इस ठंड में बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, सब कुछ ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।